देवास जिले की हाट पिपलिया में पदस्थ तहसीलदार की रीडर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर सचिन विश्वकर्मा की पैंट गुरुवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने उतरवा ली। दरअसल विश्वकर्मा ने हाट पिपलिया के किसान गणेश जाट से नामांतरण के दो और बंटवारे के एक प्रकरण को निराकृत करने के लिए 10,000 रूपए की रिश्वत मांगी थी। 5 महीने से अपने 3 प्रकरणों के लिए परेशान हो रहे जाट ने इसकी शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW के SP दिलीप सोनी से की थी। उन्होंने प्रकरण की तस्दीक करवाई और जब सब कुछ साफ हो गया तो सचिन को 10,000 की रिश्वत देने के लिए गणेश जाट को भेजा। सचिन ने रुपए जैसे ही पैंट की जेब में रखे, धड़धड़ाते हुए रीडर कक्ष में घुसे प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया। सचिन के हाथ धुलाए तो नोट पर लगे केमिकल की वजह से वह गुलाबी हो गए। चूँकि सचिन ने रुपए पैंट की जेब में रखे थे तो दफ्तर में ही उसकी पैंट भी उतरवा कर जब्त की गई। DSP अजय कैथवास ने बताया कि सचिन तहसील कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर होने के साथ तहसीलदार के रीडर का काम भी देखता है। उसने जांच से नामांतरण के 2 और बंटवारे के 1 प्रकरण के लिए रिश्वत मांगी थी। इधर सचिन विश्वकर्मा ने बताया कि गणेश जाट सुबह मेरे पास रुपए लेकर आया था। मैंने उससे पूछा किस बात के रुपए, तो वह रुपए फेंक कर चला गया था। यह सब मुझे फंसाने की साजिश है। सर ये मेरा नामांतरण रजिस्ट्री नामांतरण था, एक बंटवारा था। मैंने कई बार इनको बोला, सभी को बोला, लेकिन ये पैसे के बगैर हाई नहीं कर रहे। फिर मैंने कल मेरे सचिन बाबूजी से बात हुई, जिन्होंने कल 2,000 रुपये देने को बोला था। मुझे बोला 2,000 रुपये दे जाना, बाकी के 8 तारीख को दे जाना। आज मेरी पेशी थी इस विषय में। मैंने फिर 10,000 रुपये की व्यवस्था की दूसरों से और यहाँ पर 10,000 रुपये सचिन बाबूजी को दिया। बाद सचिन बाबूजी को रंगे हाथ टीम ने पकड़ा। 4-5 महीने से परेशान हूँ। गणेश जाट जो हाट पिपलिया के गांव के निवासी हैं, उनके 3 प्रकरण, एक बंटवारे का और 2 नामांतरण के यहाँ पे पेंडिंग थे। विगत 4-5 माह से लगातार वो यहाँ पे चक्कर लगा रहा था, किंतु उसके जो आवेदन था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बार बार चक्कर लगाने पर उसको यहाँ पर जो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर सचिन विश्वकर्मा, उसके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई और उसके काम को तभी होना बताया गया जब वो रिश्वत के 10,000 रुपये दे देगा। अगर वो नहीं देता है तो उसका काम नहीं किया जाएगा। परेशान होकर उसने EOW उज्जैन के SP श्री दिलीप सोनी साहब को आवेदन दिया। उस आवेदन के आधार पर उसकी तस्दीक की गई। तस्दीक में ये पाया गया कि सचिन के द्वारा उन तीनों नस्तियों के निराकरण हेतु 10,000 रुपए के रिश्वत की मांग की जा रही है। जब ये पूरा तस्दीक हो गई तो उसके पश्चात हमने फरियादी और आवेदक श्री गणेश जाट को फरियादी को 10,000 रुपए के नोट देकर यहाँ पे रवाना किया। विधिवत उसने रिश्वत ग्रहण करी। ग्रहण करने के पश्चात हमारे साथ 2 साक्षी राजपत्रित अधिकारी श्री मकासरे और श्री विष्णु दीक्षित जी आए हैं। उनके समक्ष पूरी कार्रवाई की गई। उसके हाथ लाल हुए, नोट बरामद हुए और जो पैंट में उसने पैसा रखा था वो पैंट भी बरामद हुई। वो सभी में केमिकल लगा होने से उनके रंग लाल हो गए। पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और रिश्वत के 10,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। मुझे मामले की तो जानकारी नहीं है। मैं क्या सुबह 9:30 के बीच में ऑफिस आ गया था। ऑफिस में आके बैठा, मैंने टेबल पर सुबह के लैपटॉप लगाया तो गणेश नामक व्यक्ति आया मेरे पास और मुझे पूछा कि मेरी तारीख है आज फाइल का क्या। मैंने कहा भैया साहब आज उसके पास देखेंगे। तो वो आया, उसने मेरे पास बोले मेरे पैसे लो। तो मैंने कहा आपके काहे के पैसे, मुझे कोई पैसे की जरूरत ही नहीं है आपके। तो उसने बोला मेरे ऊपर पैसे फेंक के चला गया। मैंने फिर जीवन भैया को बोला, मैं जीवन भैया आप पेमेंट लो और जिसका उसको देखा, मेरे को तो हाथ भी नहीं लगाना। तो मैंने उसके पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। वो जानबूझ के धोखाधड़ी से ये सब फंसाने की साजिश है। और मैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ ना, तो मेरी फाइल पे कोई प्रोसीडिंग चलती है ना, मैं तारीख दे सकता हूँ ना तारीख ले सकता हूँ। तो मैं तो इसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता ना, मैं रीडर हूँ, मैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। वो भी आहिस्ता है नाम से नहीं, आपके पैसे रखो फाइल करनी है। अरे मेरे काहे के पैसे भैया, मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है आपके, आपके पैसे रखो। तो वो जबरदस्ती फेंक के चला गया, ये CCTV में भी कैद हुआ। तो वो क्या, ये तो पूरी मतलब साजिश है पुरानी और कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक मैंने उसकी एक भी फाइल, वो जब भी तारीख पे आया तो बाबू जी ने, इन्होंने साहब ने, इन्होंने तारीख पैसी ली है। मैंने तो आज तक तारीख पैसी भी नहीं ली।